अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम नुमान चौधरी है। होप करता हूँ कि आपने पिछला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने अपना छोटा सा गराज का छोटा सा टूर दिया था। और आज मैं अभी उठा हूँ सुबह सुबह, सोचा चलो रेड सिटी की बड़ी डिमांड रही थी कि इसके बारे में बताएं, तो अभी मैं सुबह सुबह गाड़ी की चाबी लेके उठा हूँ। ठीक है, कोई और काम नहीं था मेरा, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी रेड सिविक एक्स। तो गाइस, मैंने ये होंडा सिविक टोटल जेन्युइन बड़ी मुश्किल से गाड़ी बाहर निकाल लिया। घर वाले अब लेके नहीं जा रहे थे, कहते टोटल जेन्युइन गाड़ी या नहीं लेके जानी, तो अभी मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। खैर, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ड्राइव कर लेते हैं क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी सी बैटरी लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है तो इसे चलाना चाहिए, खड़ी नहीं करना चाहिए इस गाड़ी को, बैटरी लो हो जाती है तो डेड हो जाती है गाड़ी। खैर, आपको मैं दिखाता हूँ सनलाइट में, आपको गाड़ी दिखाता हूँ पूरी, क्योंकि इस गाड़ी की जो शाइन है, रेड कलर की जो शाइन है, ये सिर्फ सनलाइट में शो होती है, जो कार्लिनियन रेड है। चले मैं आपको बाहर से शाइन दिखाता हूँ इसकी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस कलर की धूप में कितनी शाइन है। धूप में गाड़ी अलग कलर शो कराती है और रात को ये ब्लैक कलर शो कराती है, मतलब इसका डल कलर है ना, तो जितने इसके पर्ल्स पे धूप लगेगी उतना इसका कलर ब्राइट हो जाएगा। तो आई अब आपको चलते हैं, इसको थोड़ी सी ड्राइव करते हैं गाड़ी की। मैं तो वहां से बैठने लगा था, मैंने कहा चलो आज यहाँ से बैठ जाते हैं। खैर, मेरे ख्याल से इसके सेल हमें डलवाने ही पड़ने हैं। आज इसके सेल भी डलवा लेंगे, गाड़ी फुल ओके कर देंगे, फिर इसकी ड्राइव लेते हैं थोड़ी सी। आप देख सकते हैं कि अब मैं सिविक एक्स चला रहा हूँ और सिविक एक्स चलाते बड़ा मज़ा आता है। नहीं यार, गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, स्मूथ ड्राइव है, मेरी गाड़ी चली भी बहुत कम हुई है। कल मैं आपको दिखाऊंगा अपनी होंडा सिविक रिबॉन को का रिव्यू दूंगा छोटा सा, वैसे इसकी ड्राइव करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके काफ़ी काम करवाने हैं मैंने होंडा सिविक के, क्योंकि वो मैं तैयार कराता हूँ गाड़ी, थोड़ी थोड़ी तैयार कराते जाता हूँ साथ साथ। अभी तो मैंने उसके सिर्फ रिम डलवाए हैं, बॉडी किट डलवाई हैं, बल्कि मेजर काम तो हो चुका है उस गाड़ी का, लेकिन अभी माइनर माइनर काम रहते हैं। तो उसका रैप भी करवाएंगे, गाड़ी का रैप करवाएंगे, अभी डिसाइड करूँ कलर कौन सा रैप कराऊँ, कंफ्यूज हो जाता है बंदा रैप करवाते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें एग्जॉस्ट भी लगवाना है मैंने, और इंटीरियर का उसमें काफ़ी काम रहता है, इंटीरियर उसका थोड़ा सा डल हुआ है। और कहते हैं इस गाड़ी की सिरेमिक कोट करवानी है मैंने, तो देखो क्या होता है, करवाएंगे। कल मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ कि मैं रैंडम ब्लॉग्स ही बनाता हूँ ज़्यादातर, आपने वीडियोस भी देखी होगी। और हाँ, अगर किसी ने अपनी वीडियो वगैरह पोस्ट करवानी हो इंस्टाग्राम पे, हमारे कार फैशन पीके के इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे रेफरेंस के साथ, मतलब मेरा नाम लेके, तो मुझे ना अंदाज़ा होता है, मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, मतलब कि दिन के 150 मैसेज ईजी आए थे लोगों के रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियो अपलोड करो, हमारी ये अपलोड करो। और कुछ लोग लड़ना भी शुरू हो जाते हैं आपस में कि भाई आप हमारी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। तो यार पता क्या, इतनी ज़्यादा लोग होते हैं कि बंदा क्या बताए, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो कभी कभी वीडियो मिस हो जाती है तो लोग नाराज़ भी रहते हैं, तो मैं नाराज़ नहीं करना चाहता लोगों को। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए, अगर आपको पता ही कार फैशन पी के इंस्टाग्राम है, फेसबुक तो खैर ऑटोमेटिकली चलता रहता है इंस्टाग्राम के साथ, आपको पता है वो ऑटो अपडेट पे लगा रहता है, तो फेसबुक मैं इतना यूज़ नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। किसी ने मैसेज करना हो, किसी को कोई ज़रूरत हो हेल्प की, कोई गाड़ी वगैरह चाहिए हो, ये वो, तो हम हाजिर हैं, आप बस इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। और बस इतना ही ब्लॉग था आज का, बाकी हम कल मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है ना, होंडा सिविक रिबॉन का। तो मज़ा आना है सिविक रिबॉन का, क्योंकि ये स्टॉक गाड़ी है, इनमें कोई मज़ा खैर नहीं है, सीधी बात है, ये तो बस डेली ड्राइव गाड़ी है। और सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।